तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, जो हेल्थ कार्ड होता है आयुष्मान भारत का, जिसके द्वारा इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री किया जाता है, या फिर वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो दोस्तों, या फिर प्राइवेट हो, जो उसकी लिस्ट में सूची में हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं, उन हॉस्पिटल्स में दोस्तों उसका जो यूज होता है वो आपका उसमें काफी आपको बेनिफिट मिलता है, आपको पैसों की भी इलाज में छूट मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं मोबाइल में, तो चलिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना है कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे। और अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल के और आप कहीं पर भी उसका लेमिनेशन करवा के भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं उसके लिए आपको पूरी वीडियो दिखाना है। वीडियो दोस्तों बहुत छोटा है, इसको स्किप मत करिएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है कैसे आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो चलिए आज हम अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके मोबाइल में रखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है। ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ पर आपको लिखना है wispmjay.gov.in, ये लिखकर यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद विश लॉगिन वाली जो वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आयुष्मान कार्ड। अगर आप मोबाइल में इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सबसे फर्स्ट वाले में, यहाँ पर आपको PMJY सेलेक्ट करना है। नीचे आपको आना है यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, इसमें आपको अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। आधार नंबर, जिसका भी आप आयुष्मान कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर यहाँ पर डालने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, यहाँ पर उसके 4 डिजिट लास्ट दिखा रहा है, उस पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा गया जिसको हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को यहाँ पर फिल करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो आयुष्मान कार्ड है यहाँ हमारे जिस नाम से वो यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं सक्सेसफुली हमारा जो डाउनलोड हो चुका है आयुष्मान कार्ड। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कार्ड है यहाँ पर आ चुका है PDF में। अब दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, इसको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, चाहें तो आप इसको अपने फोन में सेव करके भी रख सकते हैं। आप अगर इसको प्रिंट आउट करवाएंगे तो आप इसको लेमिनेशन करवा के आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको फोन में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।